हेलो गाइस, आपके लिए लेकर आई हूँ आज छोला भटूरा बनाने की रेसिपी। हमने चने भिगो दिए हैं, लगभग 400 ग्राम चने हैं ये। हमने इन्हें ओवरनाइट सोक किया है, थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा डालकर इनको सोक किया था। देखिए अब काफ़ी बड़े हो गए और फूल गए अच्छे से। अब हम इनको एक कुकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अब हम इनको बॉईल करेंगे। हमें लगभग इनको 30-40 मिनट बॉईल करना है। साथ ही हम थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल रहे हैं। हमने बे लीव्स, बड़ी इलायची वगैरह ली है, इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसे 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर और बाकी टाइम हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे। और हम भटूरों की तैयारी कर रहे हैं। हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया और अब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। उसके बाद हमें इसमें दही ऐड करना है, अच्छा गाढ़ा दही डालना है, खट्टा ना हो। और ये हम पहले इसको अच्छे से बेकिंग पाउडर को इसमें इस तरह हाथ से मिला लेंगे। देखें इस तरह से हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा दही ऐड करेंगे और लगभग 1 कटोरी पूरा दही हमने इसमें ऐड कर दिया। देखें इस तरह से हम बिना पानी के पहले दही के साथ खूब अच्छे से मिला लेंगे मैदे को और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कर इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छी तरह से नीडिंग कर लेनी है, भून लेना है। देखें काफ़ी अच्छे से मसल मसल कर हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनना है। हमें इसे सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत सॉफ्ट डो हमें नहीं तैयार करना है। देखें इस तरह से हम इसको अच्छे से नीड कर रहे हैं। हमने सब साइड्स वगैरह सब साफ करते रहना है और इस तरह से भून लेना है। देखिए अब अच्छा स्मूथ हो गया है, चिकना हो गया है और इस तरह से हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। और एक सेपरेट बोल में एयर टाइट, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, एयर टाइट डोंगे में मैंने इसको इस तरह से 3-4 घंटे रख दिया है। और अब हम चनों की तैयारी करते हैं, छोला बनाएंगे। हमारे छोले रेडी हैं। हमने थोड़ा ऑयल लेकर इसमें ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दिया। ज़ीरा क्रैकल होने के बाद लगभग 1 टीस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक ऐड किया है और अब हम अच्छे से लहसुन अदरक को गोल्डन होने तक भूनेंगे। और अब हम 3 टेबल स्पून भरकर पिसी हुई प्याज ऐड कर रहे हैं। खूब अच्छा बारीक पेस्ट हमने प्याज का बना लिया था। इसी तरह से हमने 4 टमाटर की प्योरी तैयार की है। हमने इसको ऐसे इस तरह से स्ट्रेन कर मिला रहे हैं। अब हमें हाई फ्लेम पर प्याज टमाटर को अच्छे से पकाना है और हम गोल्डी का जो छोले मसाला है आता है, हमें इसमें 2 टीस्पून भरकर छोले मसाला ऐड कर देना है। उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है इस तरह से। देखें थोड़ी हल्दी ऐड की है, 1/2 टीस्पून के करीब, और थोड़ी सी हमने ये मिर्च ऐड की है। हमने देगी मिर्च का यूज़ किया है, ये स्पाइसी मिर्च नहीं है, कलर लाने के लिए यूज़ की है। और थोड़ा नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। देखें एक बॉईल आलू मैंने इसमें ऐड किया है, छोलों के साथ पसंद किया जाता है। और इस तरह से क्यूब्स कर मैंने बॉईल आलू को मसाले के साथ भून लेना है। लगभग 2-3 मिनट अच्छे से भुन गया है। अब हम छोले देखते हैं, हमारे छोले रेडी हैं बिल्कुल।
ये हम तेजपात निकाल देंगे इसमें से जो हमने बॉइलिंग पर डाला था, और मसाले में थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हम ये छोले भी इसमें मसाले में ट्रांसफर कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है। देखिए हमने थोड़ा पानी ऐड किया है मसाले में और उसके बाद हम छोले ऐड कर देंगे इसमें। हमारा मसाला भून गया, छोले ऐड करने के बाद हमने ढक दिया, थोड़ी देर पकाएंगे इसे। अब हमने जो इमली का पल्प तैयार किया था, थोड़ी सी इमली लेकर भिगा दी थी इसे गर्म पानी में, वो ऐड कर दिया हमने ट्रांसफर करने के बाद। छोलों में इमली का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देखें बहुत अच्छा कलर आ गया, हमारे छोले भी रेडी हैं। और अब इधर हम भटूरों का आटा चेक करते हैं, हमारा आटा रेडी है। एक साइड में हमने मैदा निकाल लिया है, आपको एक साइड में ये आटा नजर आ रहा होगा, ये मेरे थाली में पहले से आटा था, मैंने साइड में मैदा निकाल लिया है और मुझे टोटली मैदे से ही इसके पेड़े बनाना है, छोटे छोटे साइज में, जिस साइज के भी आप भटूरे पसंद करते हो पेड़े बना लें। मैंने इस साइज के बनाए हैं और मैं पेड़ों को बना लूंगी इस तरह से। बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ है हमारा भटूरों का डो, और ये इस तरह से पेड़े बना लेंगे हम। काफी वॉल्यूम बढ़ गया है आटे का, ये जो हमने मैदा था जो गूंदा था, अब इस तरह से हम बेल लेंगे। देखें इस तरह से, मैं आप किसी भी चीज पर बेल सकते हैं, मैंने एक ढक्कन पर बेला है। देखें तेल खूब तेज गर्म होने के बाद हम इनको डाल देंगे, अच्छे तेज तेल में हमें इनको फ्राई करना है। देखें बहुत अच्छे से बन गए, कितने अच्छे से फूल रहे हैं। बहुत अच्छा कलर आ गया है इनका, बिल्कुल ढाबे जैसे ही भटूरे बन रहे हैं। देखें बहुत अच्छे तैयार हो गए, सभी को पसंद आते हैं ये और घर में इजीली तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हम बाकी भटूरे भी फ्राई कर दिखाते हैं आपको। देखें कितने आसानी से फूल रहे हैं, ये देखें बहुत अच्छा भटूरा फूला है ये भी। तैयार हो गया है हमारा भटूरा, आप भी बनाएं, बताएं आपके भटूरे किस तरह बने, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियोस, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप को ये रेसिपी कैसी लगी, और इन्जॉय करें, खाएं, बनाएं, खिलाएं। देखें हमारे भटूरे कितने अच्छी तरह फूल रहे हैं, बाकी के हम भटूरे भी इसी तरह बना लेंगे। बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही फ्लफी हैं। देखें बहुत बढ़िया भटूरे फूले हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है इनका। और आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सैलेड के साथ देखें हमने सर्व किया है, खीरा, टमाटर, प्याज,
बिल्कुल ढाबा स्टाइल इनका टेस्ट आएगा आपको। आप इस रेसिपी से जरूर बनाइए, एक बार ट्राई करें। ओके, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।